वेलकम टू माय चैनल इट्स मी तो ये जो वीडियो है क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है और कौन से बच्चों के लिए तो ट्वेल्थ की इंग्लिश यानी कि ट्वेल्थ के एक एक बच्चे के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है अब जो तुम्हारा इंग्लिश का सैम्पल पेपर था वो मैं तुम्हें करवा चुकी थी ठीक है दो महीने पहले मैंने तुम्हें सैम्पल पेपर बता दिया था बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी तो चलो मार्च में एंड में अप्रैल में पेपर होते थे बट तुम्हारे तो पेपर मे में है सो सिर्फ गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी तो अब इंग्लिश के अंदर कितने मार्क्स का पेपर है तुम्हारा बच्चों एट्टी मार्क्स का जो तुम्हारा ये पेपर है ना इसमें एट्टी में से एट्टी आएंगे हर एक बच्चे के किसी के सेवन नाइन भी नहीं आने हैं हर एक बच्चे के एट्टी आएंगे और ये नहीं है मैं प्रेशराइज कर रही हूँ तुम्हारे को मैं तुम्हारा प्रेशर अभी कम करूंगी ठीक है आई विल बी टेलिंग यू मैं अभी इंग्लिश तो ऑलमोस्ट इज कम्पलीटेड बस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बच्चे रिविजन बैच के अंदर ठीक है तो आप लोगों को क्या करना है इंग्लिश की प्रिपरेशन कैसे करनी है साइंस स्टूडेंट्स कॉमर्स स्टूडेंट ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट जिस ओपन यूर ईयर इन लेसन मी तो सबसे पहले तो ये जान लो भैया कि जो तुम्हारा इंग्लिश का पेपर पैटर्न है मैं अब तुम्हें नई वीडियोस बना के पॉलिटिकल हिस्ट्री जोग्राफी इको एंड जो भी आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट हर एक का पेपर पैटर्न बताने वाली हूँ क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर ने हमें इतनी बार बोला है कि बच्चों पेपर पैटर्न चेंज है तो उनका कुछ हिंट है उसकी तरफ कि एक बार पेपर पैटर्न को समझ लो उसी तरीके से अपनी तैयारी करो हलवे की तरह तैयारी होगी तुम्हारी अगर तुमने ये पेपर पैटर्न समझ लिया तो तुम लर्न कर रहे हो आठ आठ नंबर वाले, वाले क्वेश्चन आठ नंबर का क्वेश्चन तो आना ही नहीं है तुम लर्न कर रहे हो करेक्टर स्केच ऑफ इवेंट्स करेक्टर स्केच ऑफ जनरल तुम लर्न करे करेक्टर स्केच ऑफ जोस फादर करना ही नहीं है जब वो आएगा ही नहीं एग्जाम में तो क्यों पढ़े भैया फालतू का टाइम थोड़ी है हमारे पास उस टाइम में हम कुछ और पढ़ लेंगे तो सुन लो जो मैं तुम लोगों को बता रही हूं तो सबसे पहले जो तुम्हारा पेपर है उसमें चालीस नंबर का एम पोर्शन आएगा तभी जो तुम्हारा जो ये पेपर है ये काफी इजी हो चुका है बट एट द सेम टाइम इट्स टिपिकल तो ये डेडली कॉम्बिनेशन के तुम्हारे पेपर सबकी बार बने हैं जो बच्चा पढ़ा है तरीके से जिसने चैप्टर को पढ़ा है ईदर फ्रॉम माई वीडियो और ईदर फ्रॉम योर बुक कोई कुछ और मैं नहीं कह रही हूं इंग्लिश के अंदर बिकॉज आई हैव सीन देर आर ओनली समरीज ऑफ द चैप्टर नॉट इवन अ सिंगल वर्ड फ्रॉम बिटवीन इज टोल्ड इन द समरीज ओके तो समरी पढ़ के जाओगे तो कुछ नहीं होगा डिटेल्ड एक्सप्लेन मांगता है इंग्लिश का ये जो आप लोगों का पेपर पैटर्न अब की बार का बना है एमसीक्यू क्वेश्चन बीच बीच में से आया भैया पढ़ के चले गए कि माता जी को क्वेश्चन छोड़ते जाते हुए हमारी नरेटर नरेटन 66 में रो रही थी तो क्या फायदा है तुम्हें ओल्ड फेमिलियर एक का मतलब बताना है तुम्हें यंग ट्री स्प्रिंटिंग क्यों थे यह बताना है ये सब कुछ तुम्हें डिटेल में पता होना चाहिए लेट मून क्यों बोला है उसने को? उसका कंपैरिजन का डिवाइस है? तो ये सब पढ़ के जाना है किसने बोला था जो ने बोला था वट इज द रियल मीनिंग ऑफ इवन शिलाडी इवेंचुअली कह रही थी वो तो ये जो बातें हैं ये मैंने चैप्टर में भी पढ़ाई है लेट वर्ड पर डाके डगलस ने क्या करा था अपने फियर को ओवरकम करा था माउंटेन ड्यू पी के नहीं दुबकी लगा के लेक वेंटवर्थ के अंदर इधर से उधर जाके तो ये सब चीज़ें ये कंसेप्ट से आपको क्लियर करने हैं तभी इंग्लिश में नंबर आएंगे वरना नहीं आएंगे ठीक है तो अभी भी बहुत समय है तुम्हारे पास इतना इतना समय है तुम्हारे पास तो इंग्लिश जिसने सब करके ख़त्म कर दी थी अब दोबारा उठा लो इंग्लिश को सौ में से सौ लाने बाकी में तो आने ही है तो इंग्लिश में भी आने हैं ठीक है ठीके? तो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहले एक बार तुम्हें ये वाला पेपर पैटर्न बता देती हूँ अस्सी नंबर का पेपर है तुम्हारा रीडिंग रीडिंग होता है पैसेज बेस्ड थैंक यू गॉड थैंक यू एवरी कि तुमने नोट मेकिंग हटवा दिया ये जो नोट मेकिंग है लुक मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ मेकिंग में मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बट येस मेरे नोट मेकिंग बहुत अच्छी थी पूरे स्कूल में मुझे नोट मेकिंग में काफ़ी अच्छे नंबर मिलते थे तो अगर आती तो मैं तुम्हें सिखा देती कोई दिक्कत की बात नहीं थी बट शुक्र है भगवान का नोट मेकिंग हट गई भैया बहुत नंबर कटते हैं नोट मेकिंग के ऊपर तो नोट मेकिंग तो आई नहीं रही हैवे अ स्माइल ऑन योर फेस तुम्हें आ रहा है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन अनसीन पैसेज अभी नहीं कराऊंगी पंद्रह बीस दिन बात करूंगी शायद एक महीने बात करूंगी अनसीन पैसेज ठीक है अनसीन पैसेज के अंदर से क्वेश्चन ढूंढने की ट्रिक बता दूंगी खत्म खानी तीन होमवर्क में दूंगी तुम्हारी ये जो ट्वेंटी के ट्वेंटी नंबर है ना दो अनसीन पैसेज आएंगे उसमें आपको क्वेश्चन होंगे एक की चॉइस भी है ठीक है तो ये हो गया आपका क्वेश्चन वन एंड क्वेश्चन टू बीस नंबर ये बीस के बीस नंबर सबको स्कोर करने हैं ट्वेंटी आउट ऑफ ट्वेंटी ही लाने हैं 18 की तो कोई बात ही नहीं है फिर तो 78 नंबर आएंगे वो नहीं लाने हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाओ आपका फिर होता है लिटरेचर पोर्शन शुरू अब यहाँ आया है हमारा चेंज दो आएंगे आपको एक्सट्रैक्ट दो अटेम्प्ट करने होंगे गिवन तीन होंगे जैसे तीन चैप्टर के एक्सट्रैक्ट गिवन एक लॉसप्रिंग का दे दिया कि का दे दिया कि वैन्स का दे दिया एक्स्ट्रैक्ट गिवेन एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन गिवन होंगे आपको ठीक है चार चार नंबर के दो एक्सट्रैक्ट चार नंबर का एक एक्सट्रैक्ट चार नंबर का तुम्हें दो अटैम्प्ट करने हैं किस फॉर्म में एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन है पूरे क्वेश्चन फॉर्म में है वो रेड ट्रैप वाला कोई चैप्टर आप समझ लो अपना तो वो जो आयरन मास्टर है और रेड्रैप सेलर के बीच की कॉन्वर्जेशन लिख देंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिए तो आप लोगों को चैप्टर पढ़ा हुआ होगा तभी आप एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हो तो ये आ गया आपका एमसीक्यू उसके बाद लिटरेचर की पोएम में से दो एक्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं ठीक है दो ए, एक एक्स्ट्रैक्ट आ रहा है आपकी पोएम में से एक तो इन टोटल कितने एक्सट्रैक्ट्स आ रहे हैं आपके तीन दो चैप्टर में से एक आ रहा है आपके पोएम में से फोर फोर एट और ये ट्वेल्व नंबर के आपका एक्स्ट्रैक्ट है फिर आ जाओ आप अपने एम सी क्यू पर जो डायरेक्ट एम सी क्यू आ रहे हैं कभी नहीं आया इसे लिटरेचर के अंदर डायरेक्ट एम सी क्यू आ रहे हैं आपके एट मार्क्स के कितने मार्क्स के एट मार्क्स की अब देखो यार इनकी होती है वैल्यू दो नंबर का क्वेश्चन है अपने पार से भेड़ के लिख दिया तुम्हें डेढ़ मिल जाएगा एक मिल जाएगा इफ़ यू डोंट नो द आंसर बट ये जो डायरेक्ट ए ट एम है सपोज़ करो तुम्हें क्वेश्चन नंबर टू और फाइव बिल्कुल भी नहीं आता है तो ये दो नंबर तो ज़ीरो हो गए जीरो मिलेगा एम में तो जीरो मिलता है यहीं आती है प्रॉब्लम बट हमारा गोल क्या है हंड्रेड परसेंट का इसलिए एम सी क्यू पर पकड़ बनानी हो तभी रिविजन बैच में मैं एम सी क्यू कम्प्लीट करवा चुकी हूँ ये हो गया आपका एम सी क्यू और यहाँ पे आपके टोटल फोर्टी मार्क्स बन जाते हैं तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी एक बार दोबारा तुम्हारी आईज को ओपन कर दिया अब आ जाओ इधर आपके राइटिंग सेशन पर बहुत आराम से राइटिंग सेशन हो जाएगा नोटिस मैंने करवा दिया है एडवर्टाइजमेंट करा दिया है इन्विटेशन करवा दिया है तीनों राइटिंग स्किल करवा चुकी हूँ कई बच्चों को पता होगा जो सो रहे

वो किस हिसाब से लर्न करो ये तुम्हें पता होना चाहिए यू जस्ट हैव टू लर्न क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू टू मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू फाइव मार्क्स किसके हिसाब से लर्न करने हैं कुछ क्वेश्चन है के अकॉर्डिंग और बाकी क्वेश्चन तुम्हें लर्न करने हैं टू मार्क्स के अकॉर्डिंग अब कितने क्वेश्चन आएंगे ये देख रहे जब क्वेश्चन नंबर टेन पे पहुंचोगे तुम अपने इसके पेपर के तो उसमें तुम्हें छह क्वेश्चन गिवेन होंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन छः में से तुम्हें अटेम्प्ट कितने करने होंगे पाँच तो एक ही चॉइस है अब ये कैसे क्वेश्चन है थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स में तुम्हें आंसर करना है टू मार्क्स ईच तो मुझे ये चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों तो मैं दो 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 टीचर ऐसे बनाता हुआ चले जाए और इसके लिटरेचर सेक्शन में चौबीस के चौबीस हमारी जेब में हो ठीक है नेक्स्ट भी ऐसे ही होगा आपका टू मार्क्स के थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स के तो लिटरेचर की तैयारी कैसे करनी है शॉर्ट आंसर्स मैं करवाऊंगी तो मैं भी मैंने करवाया नहीं है टू मार्क्स ईच वर्ड लिमिट थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स खत्म सिक्सटी टू एट्टी प्रिपेयर नहीं करना फोर्टी फिफ्टी प्रिपेयर नहीं करना थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स के इतने इतने से क्वेश्चंस लर्न करेंगे एंड एंड गेम खत्म बहुत आसान हो गया पेपर ठीक है ये हो गया तुम्हारा अब बात करते हैं तुम्हारे लॉन्ग आंसर की आठ नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा छः नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्वेश्चन आएगा पांच नंबर का पाँच पाँच नंबर के वो भी सिर्फ दो क्वेश्चन आएंगे एक चैप्टर्स में से यानी कि इतने सारे चैप्टर्स जो पढ़े उनमें से एक क्वेश्चन आएगा और इतनी सारी पोएम्स जो पढ़े उनमें से एक क्वेश्चन आएगा चॉइस गिवन होगी तुम्हें तो चैप्टर में से भी चॉइस गिवन होगी पोएम में से भी चॉइस गिवन होगी और पाँच पाँच नंबर के दो क्वेश्चन ही तुम्हें अटेम्प्ट करने हैं वन ट्वेंटी टू वन फिफ्टी वर्ड्स और तुम वन फिफ्टी वर्ड्स लेकर आओगे यानी कि डेढ़ पेज ऑलमोस्ट डेढ़ पेज का आंसर लिखना टीचर पाँच की जगह साढ़े पाँच कहेगा नहीं यार मन कर रहा है साढ़े पाँच दे दून पढ़ना ही एटी से ज़्यादा मार्क्स तो दे ही नहीं सकते सिर्फ पेंसिल का ऐड थोड़ी है तो ये वाले टाइप हो जाना है तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे साथ और ये क्वेश्चन से क्वेश्चन है यहाँ आया है ट्विस्ट वही पहले मैंने बता दिया तुम्हारे को ना ही करेक्टर स्केच लर्न करना है ना ही ये लर्न करना है कि जो के फादर जो को कहानी कैसे सुना देते हैं ना ही तुम्हें ये लर्न करना है कि लॉ स्प्रिग में जो मुकेश बच्चा था उसकी ड्रीम्स कैसी थी ये वो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा आपको कि रेड रैप सेलर एक बेचारा गरीब आदमी सड़कों पे घूम रहा है ही फील वेरी लोनली ही फील वेरी आइसोलेटेड वट डू यू लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट हैव यू एवर सीन सम समलर्स अराउंड योर हाउस हैव यू एवर सीन पीपल लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स हाउ डू यू फील वेन यू सी दैम वॉट कैन यू डू टू चेंज द सोसाइटी ये क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हें ब्यूटी पैजेंट में भेज दिया है इन्होंने और तुम्हें वो भाषण देना है क्वेश्चन के अंदर कि भैया मैं सोसाइटी को चेंज करने के लिए ऐसे ऐसे करूंगा या करूंगी ये क्वेश्चन का फॉर्मेट हो चुका है डगलस बेचारा बहुत डर रहा था भैया क्या जरूरत है स्विमिंग करने की मत कर स्विमिंग क्या दिक्कत है कुछ और काम करके पैसा कमा लो कुछ कर लो नहीं जी इसे स्विमिंग करनी थी तो हमारा चैप्टर बन गया है अब डगलस का स्विमिंग वाले चैप्टर पर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि क्या तुम्हारा कोई ऐसा फियर है जैसे तुम ओवर करना चाहते हो और कैसे कोई अपने फियर को ओवरकम कर सकता है वट लेसन

टेक्निकली पाँच पाँच नंबर वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और दो नंबर वाले क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं और ज्यादा ध्यान देना है एमसीक्यू के ऊपर तो सारा मटीरियल गिवेन है एक बार फिर से पेपर पैटर्न आके मैंने तुम्हें ऑन योर स्पेशल डिमांड बता दिया है वीडियो को शेयर कर देना कॉमर्स वाले साइंस में साइंस वाले मैट्रीज में मैट्रीज वाले कॉमर्स में साइंस वाले ये सब बच्चों में वीडियो शेयर हो जाए मैं इससे कि नेक्स्ट रिविजन बैच जो आपका ऑन हो रहा है उसमें मैं शॉर्ट क्वेश्चन कराऊंगी ये दो नंबर वाले एंड येस जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ बच्चों के प्री बोर्ड्स में आए हैं जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं बिकॉज आई एम नॉट अ रिफ्रेशर मैं तुम्हें मैं बस दस क्वेश्चन बताती हूँ उसमें से एग्जाम में आ जाता है आई डोंट नो हाउ मैं गॉड गिफ्टेड है आ जाता है तो जो बताऊंगी बोर्ड्स में भी आएगा ओके सो जस्ट शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर में आई वांट अ गुड रिस्पांस ऑन दिस वीडियो आल्सो एंड ऑन दैट सीरीज आल्सो जो हम स्टार्ट करेंगे लास्ट लेसन के शॉर्ट आंसर्स से टू मार्क्स वाले लास्ट लेसन के मैं वैल्यू बेस करवा चुकी हूँ बट मैंने आंसर नहीं बताया था उसमें बट येस आई थिंक दैट अब मुझे आप लोगों को आंसर भी बताने पड़ेंगे क्योंकि तुम लोग नहीं फॉर्म कर पाओगे या फिर तुम्हें एक रफ आइडिया दे देना चाहिए मुझे बोर्ड पर ही लिखना पड़ेगा कि आप लोग ऐसे आंसर कर सकते हो सो डोंट वरी प्लेंटी ऑफ टाइम है पहले तो मैंने बना दिया था कि अगर uh, आप लोगों के प्री बोर्ड्स हो तो इट कैन हेल्प यू बट नहीं अब तरीके से सीरीज आएगी शॉर्ट आंसर की अलग और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन टाइप वाले क्वेश्चन के अलग सो जस्ट वेट फॉर दैट वीडियो ऑल यू हैव टू डू इज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल शेयर दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी कीप लविंग मी एंड कोई क्वेरीज है इंग्लिश में तो जाके मुझसे मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो कमेंट करके पूछो मुझसे अब कमेंट सेक्शन को और चेक करना जो इंग्लिश के सारे नोट्स हैं एम सी क्यू वन मार्कर एक्स्ट्रैक्ट बेस क्वेश्चन एवरीथिंग इंग्लिश का इन ही बाकी सभी सब्जेक्ट्स का पिन कर दूंगी मैं इंग्लिश के जितने भी नोट्स मैंने डाले हुए कमेंट सेक्शन के अंदर इंस्टाग्राम लिंक पे ठीक है अब जो इंटाग्राम नहीं चलाते वो रिविजन जो इंस्टाग्राम नहीं चाह रहा है वो रिविजन बैच में से जाके लेगा उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर्स गिवन होंगे ठीक है अब बात करी जाए सारे के सारे चैप्टर्स का लिंक दे दिया है लास्ट लेसन पढ़ना दोबारा शुरू कर दो लास्ट लेसन से स्टार्ट कर दो और पूरे की पूरी बुक्स को खत्म करनी स्टार्ट कर दो प्लान मैंने दे दिया है किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है अपने फॉलो करना है अपना फॉलो करो मेरा फॉलो करना है मेरा फॉलो करो जस्ट गेट स्टिंग एंड हैव फन इन योर लाइफ ऑल्स ओके तो आज मैं एक वीडियो बनाऊंगी हाउ यू कैन स्टडी विथ फन यानी कि आप अपने आपको बिना प्रेशराइज़ करें कैसे आप लोग पढ़ाई करते हुए मजे ढूंढ सकते हैं आई टोल्ड यू एवरी टाइम दैट मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी बी हैप्पी एंड स्टडी तो एक बार तो मैं दिखा दूंगी दैट हाउ यू हैव टू बी हैप्पी एंड हाउ यू कैन स्टडी बींग हैप्पी ओके सो लेट्स सैन द वीडियो ना मेथ्यू ना नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशन